हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कॉर्नियल अल्सर, जिसको हम आयुर्वेद में सवर्ण छुपी से भी कोरिलेट कर सकते हैं सॉरी, जो हमारा क्या है, कृष्णगत रोग है। ठीक है, तो सबसे पहले कॉर्नियल अल्सर की डेफिनेशन। अल्सर इज व्हाट? इट इज द डिसकंटिन्यूएशन ऑफ द नॉर्मल एपिथेलियम। तो अगर कॉर्नियल अल्सर है तो डिसकंटिन्यूएशन ऑफ द नॉर्मल एपिथेलियम ऑफ कॉर्निया एसोसिएटेड विद द नेक्रोसिस ऑफ द सराउंडिंग टिश्यू इज नोन एज कॉर्नियल अल्सर। ठीक है, अब आते हैं इसके टाइप्स। जो टाइप्स हैं इसके, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, लोकेशन के बेसिस पे दो तरीके का है, सेंट्रल एंड पेरिफेरल। ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ पुरुलेंस, कि वो पुरुलेंट है या नहीं, तो ये पुरुलेंट कॉर्नियल अल्सर और नॉन पुरुलेंट। जो ये पुरुलेंट वाला होता है ये मेनली बैक्टीरिया या फंगस की वजह से होता है, और नॉन पुरुलेंसी वाला वायरल या फिर एलर्जिक हो सकता है। ठीक है, पुरुलेंसी के उस पे ऑन द बेसिस ऑफ डेप्थ, डेप्थ के बेसिस पे क्या हो सकता है, सुपरफिशियल डीप कॉर्नियल अल्सर विद इम्पेंडिंग परफोरेशन। मतलब अभी वो परफोरेट नहीं हुआ है लेकिन होने वाला है, हो सकता है, तो उसकी एक अलग वो आती है। एंड लास्ट वन इज परफोरेटेड, परफोरेटेड कॉर्नियल अल्सर। ठीक है, और ऑन द बेसिस ऑफ स्लफ फॉर्मेशन, तो ये दो तरह का, स्लफिंग भी हो सकता है और नॉन स्लफिंग। ठीक है, और ऑन द बेसिस ऑफ हाइपोपियन, तो ये सिंपल कॉर्नियल अल्सर भी हो सकता है और हाइपोपियन कॉर्नियल अल्सर भी। देखिए, अब ऐसे तो पढ़ने में जो कॉर्नियल अल्सर है उसके हर अलग टाइप के बारे में अगर हम पढ़ेंगे कि सुपरफिशियल क्या है, डीप, स्लफिंग, ये बहुत सारा हो जाता है। बट हम जो है वो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ आपको ये क्लासिफिकेशन याद होनी चाहिए कि टाइप्स कौन से हैं इसके। नेक्स्ट वी कम टू द इटियोलॉजी। इटियोलॉजी में क्या आएगा, दो तरीके से कॉर्नियल अल्सर हो सकता है, या तो जो कॉर्निया की जो एपिथीलियम है वो डैमेज हो जाए, और सेकंड इन्फेक्शन हो जाए उस एरिया में। ठीक है, जो इरोडेड एरिया है, जो कॉर्निया की एपिथीलियम डैमेज हुई है, उसका पहले तो वो डैमेज होगी, फिर उसके अंदर इन्फेक्शन होगा, देन कॉर्नियल अल्सर हमारा बनेगा। और जो कॉर्नियल एपिथेलियल डैमेज है ये क्यों होगा, फॉरेन बॉडी की वजह से, मिसडायरेक्टेड सीलिया की वजह से, कंक्रीशन या जो कॉन्टेक्ट लेंसेज पहनते हैं उनमें ट्रॉमा की वजह से डैमेज हो सकता है, और अगर जो कॉर्नियल एपिथेलियम वो है उसकी जीरोसिस हो, मतलब वो बिल्कुल ड्राई हो जाए, उसकी वजह से डैमेज हो सकता है। और इन्फेक्शन क्यों होगा, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या होगा, या तो कंजक्टाइवा से आए इन्फेक्शन, या हमारी जो लेक्राइमल सैक है उससे, या फॉरेन बॉडी के थ्रू इन्फेक्शन आ गया है, स्क्लेरा, यूवियल टिश्यू, मतलब सराउंडिंग जो भी है कॉर्निया के उसके, उससे हमें जो वो इन्फेक्शन हो सकता है। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन आता है इसका, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म स्टेफाइलोकोकस, सीडोमोनास, स्ट्रेप्टोकोकस, नेसेरिया, गोनोरिया, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया, ये कोई भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट वी कम टू द क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर में क्या होगा, पेन होगा,
फॉरन बॉडी सेंसेशन होगी उसको, और वॉटरिंग ऑफ आई होगा, फोटोफोबिया होगा, ब्लर्ड विजन होगा, रेडनेस होगी। ठीक है, अब आते हैं हम साइंस पे। ठीक है, जो डॉक्टर क्या देखेंगे, स्वेलिंग ऑफ लिड्स होगी उसकी पेशेंट की, कंजक्टाइवा जो होगी उसकी किमोस्ट होगी, और कंजक्टाइवल हाइपरीमिया होगा, और जो कॉर्नियल अल्सर है, जो अल्सर बना है वो कैसा दिखेगा, येलोइश व्हाइट एरिया, और वो ओवल या इरेगुलर शेप का भी हो सकता है, मार्जिन जो उसके होंगे वो स्वॉलन होंगे, ओवरहैंगिंग होंगे, एंटीरियर चैम्बर में जो है वो पस हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, और आयरिस जो है वो स्लाइटली मडी इन कलर होगा, और प्यूपिल जो है वो मे बी स्मॉल हो सकता है, क्योंकि अगर उसकी वजह से आयराइटिस या कुछ और इसकी वजह से हो गया तो प्यूपिल स्मॉल भी हो सकता है। अब आते हैं हम इसकी डायग्नोसिस पे। आप इसको डायग्नोस कैसे करोगे, एक तो आपको हिस्ट्री लेनी है, प्रॉपर हिस्ट्री की, कोई ट्रॉमा तो नहीं हुआ, या फिर उसको जीरोसिस, या मतलब कोई भी जो भी इसके कॉजेस थे उसके अकॉर्डिंग पता लग जाएगा हमें, हिस्ट्री से थोड़ा आइडिया हो जाएगा। जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन करनी है, और फिर करनी है ऑक्यूलर एग्जामिनेशन, मतलब जो आई है उसकी एग्जामिनेशन। ऑक्यूलर एग्जामिनेशन हम रिगर्जिटेशन टेस्ट, सिरिंजिंग कर सकते हैं, बायोमाइक्रोस्कोपी एग्जामिनेशन कर सकते हैं, और जो हमारा सीबीसी है या रूटीन जो भी हम कराते हैं, एचबीटीएलसी डीएलसी, ये सब करा सकते हैं, स्टूल और यूरिन एग्जामिनेशन करा सकते हैं। देन वी कम टू द ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट जो होगा कॉर्नियल अल्सर का वो अकॉर्डिंग टू कंडीशन होगा, कि जैसे मैंने डेप्थ के अकॉर्डिंग बताया था कि सुपरफिशियल है, डीप है, कॉर्नियल अल्सर विद इन पेंडिंग परफोरेशन या परफोरेटेड है, तो सभी कंडीशन के अकॉर्डिंग होगा। तो पहला हम ट्रीटमेंट करेंगे अनकॉम्प्लिकेटेड का, अनकॉम्प्लिकेटेड कॉर्नियल अल्सर है अगर हमारा, तो हमें क्या चलानी है, एंटीबायोटिक्स भी जो टॉपिकल जो हम देंगे उसको आंख में डालने के लिए क्या दे सकते हैं, फोर्टिफाइड टोब्रामाइसिन 1.3% और फोर्टिफाइड वैंकोमाइसिन 5% और 0.3% सिप्रोफ्लोक्सासिन, 0.3% ऑफ्लोक्सासिन, 0.5% मोक्सीफ्लोक्सासिन, ये जो है वो आई ड्रॉप दे सकते हैं, और ये उसको टॉपिकली मतलब आंख में डालनी है। ठीक है, ये अनकॉम्प्लिकेटेड क्या, और हम जो है वो इसमें सिस्टमिक एंटीबायोटिक भी चला सकते हैं। यूजुअली जो सिस्टमिक एंटीबायोटिक है ये हर केस में रिक्वायर्ड नहीं होती, कि जैसे अगर अनकॉम्प्लिकेटेड है तो जरूरी भी नहीं, इनसे भी काम हो जाएगा, बट सिस्टमिक हमें वहां चलानी है जहां पे हमें लग रहा है कि परफोरेशन होगी या फिर जो स्क्लेरा है वो भी इन्वॉल्व हो गया, वहां पे हमें सिस्टमिक एंटीबायोटिक्स चला देनी है। और अलग दूसरा है साइक्लोप्लेजिक ड्रग चला सकते हैं, जैसे 1% एट्रोपिन या 2% हीमेट्रोपिन चला सकते हैं, सिस्टमिक उसको एनाल्जेसिक दे सकते हैं, पेन होगा ना इसमें उसको, तो सिस्टमिक एनाल्जेसिक्स चला सकते हैं, आइबोप्रोफिन, बीसीएम, विटामिन ए बी और सी दे सकते हैं, हॉट फोमेंटेशन दे सकते हैं, ठीक है, और डार्क गॉगल पहनने को बोलना उसको, और गुड डाइट, फ्रेश एयर और रेस्ट करने को बोलना। अब ये है अनकॉम्प्लिकेटेड का ट्रीटमेंट, ठीक है। अब अगर हमारा कॉर्नियल अल्सर, हम ये सब कर रहे हैं लेकिन वो हील नहीं हो पा रहा, यानी नॉन हीलिंग अल्सर है, उसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे हम, तो जिस भी कॉज की वजह से वो नॉन हीलिंग हो रहा है, बाय चांस वहां पे रिपीटेड ट्रॉमा हो रहा है या कंक्रीशन की वजह से, फॉरेन बॉडी की वजह से, तो उनको रिमूव करना है पहले, यानी जो कॉज है उसको रिमूव करना है। देन जो अल्सर है उसको हमने क्या करना है, स्क्रैपिंग करनी है, जो नेक्रोस्ड मटेरियल है नीचे उसकी वजह से हीलिंग तो हो नहीं पाएगी, तो हमें क्या करना है, स्क्रैपिंग करनी है ऑफ द फ्लोर ऑफ द
अल्सर विद द स्पैचुला अंडर लोकल एनेस्थीसिया। लोकल एनेस्थीसिया देखिए स्पैचुला की हेल्प से स्क्रैप करना है जो नेक्रोस्ड मटेरियल है, कॉटराइजेशन कर सकते हैं और बैंडेज सॉफ्ट कॉन्टेक्ट लेंसेज। देन वी कम टू द इम्पेंडिंग परफोरेशन। यानी जो कॉर्नियल अल्सर रप्चर हो सकता है, परफोरेट हो सकता है, उसको आपने क्या करना है, स्ट्रेन नहीं देना कोई भी, प्रेशर बैंडेज बांध के रखनी है और आईओपी यानी इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर को कम करना है। कम कैसे करेंगे, या तो इंट्राविनस जो है वो मेनिंटॉल चला सकते हैं हम, सिस्टमिक उसको मतलब ओरली एसिटाज़ोलामाइड दे सकते हैं जो उसके कम करेगी इंट्राकुलर प्रेशर को, या 0.5% टीमोलोल जो है वो टॉपिकली इसको डाल सकते हैं हम, और कंजक्टाइवल फ्लैप्स या एमनियोटिक मेम्ब्रेन ट्रांसप्लांटेशन एडहेसिव ग्लू जो है वो लगा सकते हैं ताकि वो परफोरेट ना हो। अब अगर वो परफोरेट हो गया, परफोरेटेड कॉर्नियल अल्सर है अगर कॉर्नियल अल्सर, तो हमें क्या करना है, टिश्यू एडहेसिव ग्लू लगाने हैं कवरिंग विद कंजक्टाइवल फ्लैप, और केराटोप्लास्टी कर सकते हैं, बैंडेज सॉफ्ट कॉन्टेक्ट लेंसेज और टेक्टोनिक केराटोप्लास्टी करनी पड़ती है। तो ये हो गया हमारा कॉर्नियल अल्सर। थैंक यू।